गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द कार्डियक साइकिल। द कार्डियक साइकिल की हुंदा हैगा कंसिस्ट ऑफ वन हार्ट बीट। आपां पिछले टॉपिक दे विच कीता सीगा कि एक मिनट दे विच जिहड़ा कि हार्ट है 72 टाइम्स बीट करता हैगा, लेकिन इत्थे आपां गल कर रहे हैगे कि एक टाइम दे विच, आपां कि 72 दी गल नहीं कर रहे हैगे। एक टाइम दे विच जो अपने कोले हार्ट बीट है परफॉर्म अप हुंदी हैगी है, जिहदे विच की आ कॉन्ट्रैक्शन ते रिलैक्सेशन जिहड़ी की आ कार्डियक मसल्स दी हुंदी हैगी है। कॉन्ट्रैक्शन ते रिलैक्सेशन जिहड़ी अपने कोले ओरिकल्स ते वेंट्रिकल्स दी हुंदी हैगी, उहनां नूं कार्डियक साइकिल कहा जांदा हैगा। जिहदा ड्यूरेशन की हुंदा हैगा कि एक वार जिहड़ा कि हार्ट है उह कहिंदा कि आ ब्लड नूं जिहड़ा कि पंप करदा हैगा, बीट करदा हैगा 0.8 सैकेंड दे विच। हमें तैनू दस्या होगा, सब तो पहला है अपने को एट्रीअल सिस्टॉल। एट्रीअल सिस्टॉल का मतलब कि है कॉन्ट्रैक्शन, जदों जोड़े साढ़े को ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ब्लड नू वेंट्रीकल दे विच लेके जाते हैं, तो उन्होंने की है 0.1 सैकेंड लगता है। उस तो बाद कि वेंट्रीकल सिस्टॉल करते हैं, जो वेंट्रीकल की है डिफरेंट पार्ट्स तक कि ब्लड नू लेके जाते हैं, कुछ ना कि लंग्स तक लैके जाते हैं या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लैके जाते हैं, तो वो दौरान जो टाइम आ 0.3 सैकेंड लगता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होने तो बाद एट्रीअल जिहड़ा कि अपना ब्लड वेंट्रीकल नू पास ऑन कर देता, वेंट्रीकल के डिफरेंट जिहड़े कि पल्मनरी जिहड़ियां वेन्स ने या अपने को मेन एओर्टा उन्हों पास ऑन कर देता है, तो दोनों जिहड़े आपां कहिंदे हैगे रैसट विच आउंदे हैगे। तो रैसट विच उन्होंने कितना टाइम मिलता है 0.4 सैकेंड। इहदा मतलब कि पूरा कार्डियक साइकिल परफॉर्म करने वास्ते कि 0.8 सैकेंड जिहड़े कि लगते हैं। नैक्सट बेटा सक्सैसिव स्टेजिज ने कि 0.8 सैकेंड दे विच किस तरीके नाल पहुँचता हैगा, तो किहड़े आपां कहिंदे कि उहदे विच फंक्शन परफॉर्म होंदे हैगे। सब तो पहला आपां गल करदे हां एट्रीअल सिस्टॉल दी। पिछले टॉपिक नूं थोड़ा ध्यान विच रखना हैगा। एट्रीअल सिस्टॉल, एट्रीअल सिस्टॉल का मतलब कि है ओरिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना। तो आप पिछले दे विच पढ़िया सीगा कि जिहड़ा साडा कि राइट ओरिकल है उहदे विच एक ऐसे नोड हुंदा हैगा जिहड़ा कहिंदा कि है कॉन्ट्रैक्शन नूं स्टार्ट करता हैगा। तो जदों ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुंदियां ने जिहड़ा साडा कि है एट्रीअल है वह कहिंदा कि सिस्टॉल हुंदा। सिस्टॉल का मतलब कि है कॉन्ट्रैक्ट करता हैगा, जिहड़ा कि करदा ब्लड नू फोर्स करदा हैगा वेंट्रीकल दे विच जाण वास्ते। जदों इह कॉन्ट्रैक्ट हुंदा हैगा तां बाईकैस्पिड ते ट्राईकैस्पिड वैल्व जिहड़े कि ओपन अप कर जांदे हैगे ने, जिहड़ा ब्लड है वह कि आ ओरिकल्स तों अपने डिफरेंट रिस्पैक्टिव वेंट्रीकल दे विच जाणा शुरू हो जांदा। लैफ्ट ओरिकल तों लैफ्ट वेंट्रीकल विच जांदा हैगा, राइट ओरिकल तों राइट वेंट्रीकल दे विच जांदा हैगा। उस तो बाद है बेटा अपने को दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ द वेंट्रीकुलर सिस्टॉल। बिगनिंग का मतलब कि स्टार्ट करना। हुण ब्लड की है ओरिकल तो वेंट्रीकल दे विच पहुँच गया हैगा, तो आप भी पढ़िया सीगा कि जिहड़ी कॉन्ट्रैक्शन है एसे नोड तो कित्थे जाती है एवी नोड तक। जिहड़ी एवी नोड की करती हैगी आ जिहड़े कि आ मसल्स हैगे ने वेंट्रीकल दे मसल्स ने उन्हां नूं कॉन्ट्रैक्ट करन वास्ते जिहड़ा कि आ रोल प्ले करती हैगी। तो जो कहिंदा कि वेंट्रीकल बिगनिंग हुंदी है, उहदी स्टार्टिंग हुंदी है कॉन्ट्रैक्शन दी, तो ए वी नोड जिहड़ा कि स्टिमुलेट करता उत्तेजित करता है, जिहदे नाल कि आ बाईकैस्पिड ते ट्राईकैस्पिड वैल्व जिहड़े कि इमीजिएटली बंद हो जाते हैं। जे उह बंद नहीं होणगे तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड जिहड़ा कि होना शुरू हो जाऊगा, वेंट्रीकल तो दुबारा ओरिकल विच जाना शुरू हो जाऊगा क्योंकि वेंट्रीकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिता हैगा, जिस करके बाईकैस्पिड ते ट्राईकैस्पिड वैल्व जिहड़े कि बंद हुंदे ने। जदों एकदम बंद हुंदे ने तो उस टाइम बेटा कि साडे कि हार्ट दे विच एक साउंड प्रोड्यूस अप हुंदी है, दो जिहड़ियां साउंड प्रोड्यूस अप हुंदियां ने जिहनूं फर्स्ट जिहड़ी कि हार्ट साउंड कहा जांदा। कहिण दा मतलब कि जदों ओरिकल तो वेंट्रीकल दे विच ब्लड चलिया गया तो उस टाइम कि जिहड़े बाईकैस्पिड ते ट्राईकैस्पिड वैल्व ने बंद हुंदे ने। जदों बंद हुंदे ने तो एक आवाज़ पैदा करते हैं, तो वह आवाज़ नूं कि लब कहा जाता है, जिहड़ी लो पिच बड़ी हौली हुंदी है तो काफ़ी लंबा समा तक जिहड़ी कि चलती हैगी। उस तों बाद बेटा कि कंप्लीट वेंट्रीक्यूलर,
ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਏ ਵੀ ਨੋਡ ਨੇ ਕੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੰਡਲ ਆਫ ਹਿੱਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਰਕਨੀਸ ਫਾਈਬਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਮਨਰੀ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਏਓਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਮੀ ਲਿਊਨਰ ਵੈਲਵਸ ਦੇ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲਮਨਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਏਟਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੈਲਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੈਮੀ ਲਿਊਨਰ ਵੈਲਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਕੀ ਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਲਿਊਨਰ ਵੈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਕੀ ਆ ਪਲਮਨਰੀ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਏਓਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਵੈਂਟਰੀਕੁਲਰ ਡਾਇਆਸਟੋਲ। ਡਾਇਆਸਟੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੈ ਸੈਮੀ ਲਿਊਨਰ ਵੈਲਸ ਦੇ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਮਨਰੀ ਟਰੰਕ ਅਤੇ ਏਓਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਰਿਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੈ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਲਮਨਰੀ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੈਮੀ ਲਿਊਨਰ ਵੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਓਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਲਿਊਨਰ ਵੈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੱਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲੀ ਪਿਚਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਂਟਰੀਕੁਲਰ ਡਾਇਸਟੋਲ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਕੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਲਮਨਰੀ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਏਓਰਟਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਕੈਸਪਿਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੈਸਪਿਡ ਵੈਲਵ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਓਪਨ ਅਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਹੈ ਔਰੀਕਲ ਤੋਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ, ECG ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, QRS ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ECG ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੀ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ QR ਅਤੇ S, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੋਮ ਸ਼ੇਪ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਔਰੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਡੀਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਵ ਕੀ ਆ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇਵ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਅਗਰ ECG ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬਾਈਕੈਸਪਿਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਕੈਸਪਿਡ ਵੈਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਆ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀ ਲਿਊਨਰ ਵੈਲਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵੇਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿ ਔਰੀਕਲ ਦੇ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ।
सब तो पहले आप गल करते हैं पी वेव की। इट लीड्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, लैफ्ट ओरिकल तो लैफ्ट राइट जिहड़ा ओरिकल है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना हैगा, जिहड़ा किहदे द्वारा हुंदा हैगा ए वी नोड एस ए नोड जिहनूं साइनो ओलिकुलर नोड कहिंदे हैगे। दूसरा बेटा अपने कोल क्यू आर एस वेव आ, ये रैप्रजेंट करती है वेंट्रीकुल कॉन्ट्रैक्ट करना, ये किहदे द्वारा हुंदी है ए वी नोड द्वारा जिहनूं असीं ओरिकुलर वेंट्रीकुलर नोड कहिंदे हैगे। इहदे नाल नाल होर कौन हैल्प करदे ने, बंडल ऑफ हिस आपां पिछे कीता ओरिजन कंडक्शन ऑफ हार्ट दे विच, पार्कनिस फाइबर जिहड़े कि आ वेंट्रीकुलर दीआं मसल्स ने उन्हां दी कॉन्ट्रैक्शन दे द्वारा जिहड़ा आपां कहिंदे वेंट्रीकल जिहड़ा कि कॉन्ट्रैक्ट करता हैगा। थर्ड है बेटा अपने कोल टी वेव, तो टी वेव की डॉम शेप्ड हुंदा हैगा जिहदे नाल कि आ जिहड़ा ब्लड कि आ जिहड़ा पलमनरी आर्टरीज दे विच ते नाल कि ओटा दे विच पास ऑन हो जाता तो वेंट्रीकल जिहड़ा कि ओपन अप हो जाता हैगा ब्लड तो, जिन्हों असी वेंट्रीकुलर रिलैक्सेशन कहने हैगे। बच्चे आप स्टार्टिंग दे विच ब्लड ते लिम्फ की गल की सी, डिफरेंस तुसी पढ़ लेना हैगा कि आप पढ़िया सी कि ब्लड दे विच की हुंदा हैगा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हुंदा हैगा जिहदे करके जिहड़ा कि कलर ऑफ रैड हुंदा, लिम्फ दे विच ओनली जिहड़े कि लिम्फोसाइट्स हुंदे ने वाइट ब्लड कारपसल्स हुंदे ने जिहदे करके जिहड़ा कि कलरलैस हुंदा हैगा। ब्लड दे विच आपां क्या हैगा जिहड़ियां कि प्रोटीनस घट हुंदियां ने लिम्फ दे विच जिहड़ियां कि ज़्यादा अमाउंट दे विच पाईआं जांदियां ने। ब्लड जिहड़ा कि आ सिर्फ वहीकल दा काम करदा, लैके जांदा किसी भी आपां कहिंदे आ मटीरियल्स नूं इक जगह तों दूसरी जगह तक, लेकिन लिम्फ कि आ इंटरमीडिएट मिडलमैन दा काम करदा हैगा कि जिहड़े अपने कोल कि आ मोलीक्यूल्स ने मिनरल्स ने जिहड़ा ब्लड कि आ डायरैक्टली टिशूज तक नहीं लै के जाता, लिम्फ दे विच जिहड़े कि आ हैल्प करदा है। नैक्सट है बेटा अपने कोल आर्टरीज ते वेन दा डिफरेंस जिहदे विच तुसीं सैकेंड ते थर्ड पॉइंट जिहड़ा कि कट देना हैगा। आर्टरीज की हुंदियां हैगियां ने जो आपां कहिंदे हैगे कि ऑक्सीजनेटिड ब्लड नूं लैके जांदियां हैगियां ने, और वेन्स की हुंदियां ने जो साडे दिखाई दे रही ने हत्थां दे उपर नीले रंग दियां जिहड़ियां डी ऑक्सीजनेटिड ब्लड नूं जिहड़ा कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जिहड़ा कि लैके जांदियां हैगियां ने। एक बेटा इहदे विच आउंदा हैगा तुहाडे कोल मर्मरिंग ऑफ हार्ट, तो मर्मरिंग ऑफ हार्ट का मतलब की हुंदा हैगा जो आप कहने किसी भी वैल्व दे विच कोई डिफेक्ट अपीर अप हो जाना हैगा बुक के उपरों पढ़ लेना हैगा, तो उस दे दौरान की है जी सैकेंड जी कि साउंड है खासकर जिहदे विच सैमील्यूनर वैल्व दे विच जदों कोई डिफेक्ट अपीर अप हो जाता हैगा जी सैकेंड आवाज़ है जी डप की आवाज़ है वो लब शाह लंबी आवाज़ हो जाती शाह की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है जिन्हों मरमरिंग ऑफ जिहड़ा कि हार्ट कहा जाता है। थैंक यू बेटा।